मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो हमने स्किप किया था। पार्ट वन में हमने ऑर्थोप्टेरा पढ़ लिया था, अब हम कोरियोप्टेरा से स्टार्ट कर लेंगे एंटोमोलॉजी का। ठीक है, अब जो एंटोमोलॉजी के अंदर अगर हम देखें, जो हमारे पास कोरियोप्टेरा है उसके अंदर जो आते हैं ऑर्डर कोरियोप्टेरा है, जिसके अंदर आते हैं बीटल्स एंड वीवल्स। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इंसेक्ट होते हैं, इन इंसेक्ट की अगर बात करें तो कोरियोप्टेरा के अंदर, तो कोरियोप्टेरा के अंदर बीटल्स एंड वीवल्स आ जाते हैं, जो हमारे पास वेरी फास्ट इंसेक्ट्स ऑफन टू कलेक्ट। अगर कलेक्ट करने में हम इनको लग जाएं तो ये बहुत ही फास्ट इंसेक्ट होते हैं। लाइफ साइकिल इनकी क्या होती है, प्रेडेशियस होती है इनके पास, क्योंकि मैंडिबल जो इनका होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और ये प्रेडेशियस टाइप के हमारे पास इंसेक्ट होते हैं जो अपने प्रे को कैप्चर करके खा लेते हैं, क्योंकि मैंडिबल स्ट्रॉन्ग है और प्रेडेशियस हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं, तो इसी वजह से हम इसको प्रेडेशियस लाइफ साइकिल बोल रहे हैं। और जैसे कि लेडी बर्ड बीटल है, उसके देखो एग्रीकल्चर में जो हमारे पास जिसकी बात करें तो हमारे पास उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये प्रेडेशियस होते हैं, वो भी प्रेडेशियस है क्योंकि कोलियोप्टेरा से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हार्मफुल इंसेक्ट को वो क्या करती है, फीड करती है। हार्मफुल इंसेक्ट को जो हमारे क्रॉप को नुकसान दे रही है उनको फीड करती है, तो हमारे लिए वो क्या होगी, बेनिफिशियल इंसेक्ट में आ जाएगी क्योंकि वो हमारे पास फीड कर रही है हार्मफुल इंसेक्ट्स को। ठीक है, और सेकंड वन जो हमारे पास है वो है डिप्टेरा। ठीक है, जो डिप्टेरा हमारे पास है वो क्या है, जिसके अंदर हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आ जाते हैं। यहां पर मैंने सिर्फ हाउस फ्लाई शो किया है, इसके अंदर मॉस्किटोज भी आ जाते हैं और हाउस फ्लाई भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखें जो हमारे पास डिप्टेरा है, इसके अंदर हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आ जाते हैं। ये वन पेयर फंक्शनल फॉर विंग फॉर फ्लाइट, इनके पास वन पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जो फंक्शनल होते हैं फ्लाइज के लिए, और बाकी आज हम जो विंग्स होते हैं, विंग्स होते हैं उनको भी स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इनके पास कौन से विंग्स पाए जाते हैं और क्या मतलब है इनके पास वन पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं जो फंक्शनल होते हैं, इसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास है हाइंड विंग्स रिड्यूस टू, इनके पास जो हाइंड विंग्स होती हैं इनके रिड्यूस्ड होती हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर में, जो बैलेंसर के तौर पर काम करती है, ये भी मैं आज क्लियर करवाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह आज। और फिर इसके पास मूवेबल हेड होती है जो सबके पास ही मौजूद होती है, पर इसके मेंशन किया गया तो मैंने इसलिए आप लोगों को बताया। और अगर बात करें तो नेक्स्ट वन हमारे पास है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा के अंदर आंट्स एंड हनी बीज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, आंट्स एंड हनी बीज आ जाते हैं। उसके अंदर टू पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स इनके पास मौजूद होते हैं आंट्स एंड हनी बीज के अंदर, और च्यूइंग माउथ पार्ट्स मौजूद होता है, और कंपाउंड आइज भी इनके पास मौजूद होते हैं। ब्लेटोरिया की अगर हाइमेनोप्टेरा की अगर बात करें तो इनके पास जेनिकुलेट एंटीने भी पाए जाते हैं। और डिप्टेरा होती है उसके अंदर हाउस फ्लाई जो हमारे पास है उसके अंदर तो क्या पाई जाती है, उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एरिस्टेट एंटीने पाई जाती है जो पाउच लाइक हमारे पास होती है। मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, जो पाउच लाइक एंटीने हमारे पास होती है एरिस्टेट, जो एरिस्टेट एंटीने आर पाउच लाइक विथ अ लेटरल ब्रिस्टल, वन लेटरल ब्रिस्टल निकला हुआ है और पाउच लाइक हमारे पास है, इसको जो हम बोलते हैं एरिस्टेट, जो पाई जाती है डिप्टेरा के अंदर। ठीक है, और डिप्टेरा के अंदर तो सिर्फ हाउस फ्लाइज के पास पाई जाएगी, और जो पिलोज हमारे पास एक इंसेक्ट का एंटीनल टाइप है वो हमारे पास किसके पास पाई जाती है, वो मॉस्किटोज के पास पाई जाती है, पर हाउस फ्लाइज के पास नहीं पाई जाती। और इसके जो हेमेनोप्टेरा है इनके पास जेनिकुलेट एंटीने पाई जाती है। ठीक है, और ब्लेटोरिया जो हमारे पास है उसके पास कॉकरोच इसका एग्जांपल है, जिसके पास फिलिफॉर्म एंटीने पाई जाती है। मैनी स्पीशीज आर एक्सट्रीमली रैपिड रनर्स होते हैं, इनके पास जो स्पीशीज बड़ी तादाद इनके पास जो पाई जाती है वो रैपिडली रन करते हैं रनल, और ये होते हैं। ठीक है, फॉर विंग्स मॉडरेटली स्क्लेरोटाइज्ड। जब इनके पास टेगमिना टाइप्स के क्या होते हैं, टेगमिना टाइप्स के क्या होते हैं जो विंग्स होते हैं वो होते हैं। और न्यूरोप्टेरा जो हमारे पास है लेस विंग्स लेस फ्लाई प्रीडेटर्स, ये भी इनके भी स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स होते हैं और ये प्रेडिशियस टाइप के हमारे पास होते हैं। और मेगालोप्टेरा के अंदर डॉप्सन फ्लाइज आ जाता है, जो लॉन्ग सॉफ्ट फ्लेक्सिबल बॉडीज इनके पास होती है, यूजुअली डार्क कलर्ड ये होते हैं, टू मेम्ब्रेनस विंग्स इनके पास मौजूद होते हैं। और ट्राइकोप्टेरा की अगर बात करें तो ट्राइकोप्टेरा जो हमारे पास है उसके अंदर कैडिस फ्लाई आ जाता है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसके अंदर कैडिस फ्लाई आ गया। अब टू पेयर ऑफ विंग्स बियर्स हेयर, इसके पास टू पेयर ऑफ विंग्स मौजूद होते हैं पर इनकी हेयर, इनकी जो विंग्स हैं इनके पास हेयर बहुत ज्यादा होते हैं, और हेड एंड थॉरेक्स के ऊपर भी इवन आपको हेयर्स दिखाई देंगे। लॉक ऑफ हेयर जिसके पास मौजूद होते हैं वो ट्राइकोप्टेरा और कैडिस फ्लाइज जो जिसके पहले वो होते हैं। ठीक है, अब लेपिडोप्टेरा के अंदर मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आ जाते हैं। मॉथ्स हमारे पास बटरफ्लाइज जैसे होते हैं पर इनकी एंटीना को अगर देखें तो इनके पास पैक्टिनेट एंटीने होते हैं जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये जो बटरफ्लाई हमारे पास होते हैं इनके पास कैपिटेट एंटीने पाए जाते हैं जो एब्रप्टली क्लब्ड होते हैं, ऊपर से जो कप पुट वर्ड से निकला है हेड लाइक एंटीने जो ऊपर से इनके पास होती है, ऊपर से एंटीना जाकर क्लब शेप के अंदर हो जाती है, कप पुट लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है हेड, ये इनके पास कैपिटेट एंटीने होते हैं। और मेगालोप्टेरा जो च्यूइंग एंड बाइटिंग लाइज इनके पास मौजूद, इनकी बॉडी फ्लैट होती है और विंगलेस होते हैं, च्यूइंग माउथ पार्ट इनके पास हो जाते हैं, क्लॉज इनके पास मौजूद होते हैं जो क्लिंगिंग का काम करते हैं यानी कि लटकते का काम करते हैं किसके ऊपर, हेयर्स के ऊपर, जो मेलोफेगा हमारे पास है। तो ये थे हमारे पास कुछ ऑर्डर्स जो हमने आज डिस्कस किए, और आज हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक जो हमारे पास इंसेक्ट किस चीज़ के मुताबिक है वो विंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।
अब जो फर्स्ट विंग हमारे पास मौजूद है वो एलाइट्रा टाइप की है। अब एलाइट्रा जो हमारे पास होते हैं, विंग इज टफ एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द हाइंड विंग्स एंड एब्डोमेन। अगर हम एलाइट्रा की बात करें तो एलाइट्रा हमारे पास एक ऐसी टाइप है विंग्स की जो एक टफ होती हैं, स्क्लेरोटाइज्ड हो जाती हैं, फुली स्क्लेरोटाइज्ड यानी कि बहुत ही सख्त होती हैं और प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करती हैं। जो हमारे पास क्या होती हैं, जो अगर बात करें हम उसकी, प्रोटेक्टिव फंक्शन हाइंड विंग के शो करते हैं और एब्डोमेन को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। यानी कि जब उड़ते हैं तो इनके जो फर्स्ट विंग होते हैं वो अपने आप को ऊपर कर लेते हैं और नीचे जो हाइंड विंग मौजूद होते हैं वो फंक्शनली उड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करती हैं, फॉरविंग प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि ये फॉरविंग स्क्लेरोटाइज्ड होते हैं तो हाइंड विंग को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर देती हैं। फॉरविंग्स ऑफ बीटल्स एंड वीवल्स की बात करें तो ये हमारे पास एलाइट्रा टाइप के होते हैं। और हेम एलाइट्रा जो हमारे पास होते हैं, द बेसल हाफ ऑफ द विंग्स इज थिक एंड लेदरी, द डिस्टल हाफ इज मेम्ब्रेनस, जिस रेड कॉटन बग्स के पास होती हैं। अब ये क्या बता रहा है, जो बॉडी के करीब प्रोक्सिमल पार्ट इसका होता है, बेसल पार्ट यानी कि प्रोक्सिमल पार्ट, जो बॉडी के करीब प्रोक्सिमल पार्ट होती है विंग्स की, वो लेदरी होती है यानी कि स्क्लेरोटाइज्ड हो जाती है, मॉडरेटली स्क्लेरोटाइज्ड होती है। और डिस्टल पार्ट्स इनके पास होती है वो मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है, रेड कॉटन बग्स के पास जो मौजूद होती हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वन है, थर्ड, टेग्मिना, हमारे पास विंग्स आर लेदरी पार्चमेंट लाइक अ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये इनके पास जो विंग्स होते हैं वो लेदरी होते हैं, क्यों रिड्यूसली स्क्लेरोटाइज हो जाते हैं, और मतलब फुली स्क्लेरोटाइज नहीं होते हैं, एलाइट्रा की तरह ये कम स्क्लेरोटाइज हो जाते हैं, मॉडरेटली, और जो मॉडरेटली जिसको हम बोलते हैं टेग्मिना। और ये फोर विंग्स ऑफ ग्रास होपर एंड कॉकरोच, अगर हम फोर विंग ग्रास होपर का देखें और कॉकरोच का देखें, और ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, टेग्मिना टाइप के होते हैं, और ये प्रोटेक्ट करते हैं हाइंड विंग्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि एलाइट्रा कर रही थी, और एब्डोमेन को। पर फिर भी एलाइट्रा जैसे ये स्क्लेरोटाइज नहीं होते, मॉडरेटली होते हैं, वो फुली हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। और हेल्टर्स की बात करें, जो हमने अभी बात की थी, जो हमारे पास क्या थे, डिप्टेरा के अंदर जो हाउस फ्लाई थे उसके बारे में, ठीक है। हेल्टर्स जो हमारे पास होते हैं वो बैलेंसर के तौर पर काम करते हैं। विंग्स आर मॉडिफाइड इनटू स्मॉल नोब लाइक होती है हाइंड विंग ऑफ हाउस फ्लाई। अगर हाउस फ्लाई की देखें तो वन विंग फंक्शनल होती है, पर जो एक और विंग्स भी इनके पास मौजूद होती हैं जो हाइंड विंग होती हैं, क्योंकि फोर विंग हमारे पास फंक्शनल होते हैं और हाइंड विंग क्या होते हैं, वो भी फंक्शन में काम करती हैं, पर वो किस चीज़ के अंदर काम करती है, बैलेंसर के तौर पर काम करती हैं, ठीक है। वो रिड्यूस्ड होते हैं नोब लाइक स्ट्रक्चर में, जो उड़ने के लिए काम नहीं आती, पर जब उड़ते हैं फोर विंग उड़ने के काम करती है तो ये बैलेंस उनको प्रोवाइड करती है कि इस तरीके से आप बैलेंस हो जाओ। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फ्रिंज विंग हमारे पास आते हैं। फ्रिंज विंग लेमिना इज रिड्यूस्ड इन साइज, विंग्स आर फिथर लाइक। जो हमारे पास फ्रिंज विंग होते हैं ये थ्रिप्स के पास पाए जाते हैं, और जिसके बेस्ट एग्जाम्पल तो थ्रिप्स होती हैं, और ये जो हमारे पास हेल्टर्स होते हैं हाउस फ्लाइज के पास पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रिंज किसके पास, थ्रिप्स के पास पाए जाते हैं, और यूजुअली ये क्या होते हैं, रिड्यूस्ड साइज के होते हैं, ये बहुत ही रिड्यूस्ड, इनका लेमिना जो होती है वो रिड्यूस्ड होती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा चौड़े नहीं होते, एक तो रिड्यूस होते हैं, और इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फीदरी लाइक अपीयरेंस इनकी होती है, ठीक है, जो थ्रिप्स हमारे पास होती हैं उनके पास। हेयरी विंग्स जो होते हैं वो हेयरी विंग्स दैट आर फोल्डेड रूफ लाइक ओवर द एब्डोमेन एट द रेस्ट। ये जो हेयरी विंग्स हमारे पास होते हैं एट द फोल्डेड रूफ लाइक, ये रूफ लाइक हमारे पास फोल्ड होते हैं जो एब्डोमेन एट द रेस्ट, पूरे एब्डोमेन को भी कवर कर देते हैं, और इतने बड़े यानी कि इनके पास विंग्स होते हैं, और विंग्स के ऊपर हेयर लगे होते हैं, तो इसी वजह से हम इसको हेयरी विंग्स बोलते हैं। जैसे कि ट्राइकोप्टेरा और कैडिसफ्लाई, जिनका थॉरेक्स और हेड भी क्या होता है, हेयरी स्ट्रक्चर होती है, और इनके विंग्स भी हेयरी विंग्स के अंदर चली जाती हैं इनके पास, ठीक है, जो कैडिसफ्लाई और ट्राइकोप्टेरा जिसका ऑर्डर है कैडिसफ्लाई का। और नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो क्या है, स्केली, फ्रंट एंड हाइंड विंग्स आर कवर्ड विथ यूनिसेलुलर फ्लैटेंड स्केल। जिनके फ्रंट विंग्स की अगर बात करें और हाइंड विंग्स की जिसकी बात करें, ये दोनों यूनिसेलुलर फ्लैटेंड छोटे छोटे स्केल्स बने होते हैं, जैसे कि अगर फिशेस की बात करें वहाँ पर स्केल्स नजर आते हैं, पर ये यूनिसेलुलर स्केल्स होते हैं इनके पास मौजूद होते हैं जो विंग्स के ऊपर, जो मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज के पास मौजूद होते हैं, ठीक है। मॉथ्स अलग हैं, बटरफ्लाइज अलग है, पर इनका जो ऑर्डर है वो लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं। और जो हमारे पास एट है, जो हेम्युली है, टाइनी हुक्स लाइक सीटे ऑन हाइंड विंग्स दैट होल्ड्स फ्रंट एंड हाइंड विंग टुगेदर। ये क्या होता है, इनके जो हाइंड विंग होते हैं उनके पास इस तरीके के, अगर हम देखें तो हमारे पास ये हो गया एक विंग और ये हो गया दूसरा विंग, ठीक है। ये दोनों अलग तो होते हैं, पर जो हाइंड विंग होते हैं उनके पास इस तरीके के हुक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक्स प्रेजेंट होते हैं जो होल्ड करके रखते हैं दोनों विंग्स को एक साथ। तो दोनों विंग्स जब उड़ने की कोशिश करते हैं तो दोनों विंग्स एक साथ उड़ते हैं, ऐसे लगता है कि इनके पास एक ही विंग्स का पेयर है, पर इनके पास दो विंग्स होते हैं। जो नीचे वाला हाइंड विंग्स है उनके पास हुक्स लगे होते हैं टाइनी, जो फोर विंग को क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, अपने पास जोड़ के रखते हैं इस तरीके से, तो उड़ने में इनके हेल्प आउट करते हैं। जो हाइमेनोप्टेरा है उसके अंदर बीज आ गए, हनी बीज हो गए, और आंट्स हो गए, और वास्प्स हो गए, ये सब हमारे पास आ जाते हैं। और एक और टाइप हमारे पास है मेम्ब्रेनस विंग्स, जो हमारे पास है, ये आंट हनी बीज की अगर बात करें, इसके पास मेम्ब्रेनस विंग्स भी होते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस विंग्स उनके पास जो मेन टाइप तो है मेम्ब्रेनस विंग्स है, पर इनका अगर हम गौर से देखें तो इनके पास हुक्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको हेम्युली में भी लेकर आते हैं, ठीक है। विंग्स आर थिन एंड ट्रांसपेरेंट, इनके पास विंग्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस विंग्स थिन होते हैं और ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ हम देख सकते हैं। जो ड्रैगन फ्लाई है उनके पास पाए जाते हैं, हनी बीज के पास पाए जाते हैं, और टर्माइट्स के पास भी पाए जाते हैं। हनी बीज के पास कौन से विंग्स पाए जाते हैं, हेम्युली, क्योंकि
उनके पास हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं, अगर उनके अगर हम विंग्स को देखें वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, तो इसको इसीलिए हम इसको मेम्ब्रेनस के अंदर भी लेकर आते हैं, ठीक है। और हमारे पास है स्यूडो हेल्टर। स्यूडो हेल्टर बिल्कुल हेल्टर की तरह है, पर यानी कि इसको नाम दिया गया है स्यूडो हेल्टर, क्यों? क्योंकि सिमिलर ऑफ हेल्टर बट डिफरेंट इन लोकेशन। अगर ये रिड्यूस्ड नॉब लाइक, जो नॉब लाइक हमारे पास क्या था विंग्स थे, वो प्रेजेंट इनके पास होते हैं, पर उन जो हमने डिस्कस किया था, किसका हमने डिस्कस किया था, हाउस फ्लाई का, इनके हाइंड विंग रिड्यूस्ड हो रहे थे, क्या हो रहे थे, रिड्यूस्ड हो रहे थे, जो बैलेंसर के तौर पर काम कर रहे थे। पर इनके जो होंगे वो फोर विंग ऑफ स्ट्रिप्सिप्टेरा ट्विस्टेड विंग इंसेक्ट, फोर विंग स्ट्रिप्सिप्टेरा जो ऑर्डर है जिसके अंदर ट्विस्टेड विंग्स इंसेक्ट आते हैं, उनका फोर विंग रिड्यूस्ड इन हेल्टर्स होते हैं, और हाइंड विंग क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, जो उड़ते हैं, तो फोर विंग इनको बैलेंसर के तौर पर वर्क करते हैं, बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। पर उनके अगर बात करें तो हाउस फ्लाई की, उनकी हाइंड विंग इस तरीके की थी, अब इसके जो हैं वो फोर विंग इस तरीके के हैं, इसीलिए इसको स्यूडो हेल्टर्स बोल रहे हैं, उसको हेल्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आज का तो हमारा टॉपिक था, ये मैंने क्लियर करवा दिया, जिसके अंदर विंग्स भी हमने क्लियर किए, और जो हमारे पास हैं जो हमने स्किप किए थे पार्ट वन के अंदर जो ऑर्डर्स, वो भी हमने क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। थैंक्स।